सो हे गाइस, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग टेक विद सुमित। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है कि जो रेडमी 5A में है, 9.6.5 का जो अपडेट आने वाला था वो सस्पेंड कर दिया गया है। अब वो किस कारण के कारण सस्पेंड किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज के मतलब मतलब वो अपडेट आने वाला था, मतलब इसी वीक आने वाला था, बट जो अपडेट आने वाला था उसमें ये बता रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स आने के कारण जो कि अपडेट जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अब वो बग्स थे कि मतलब अगर वो आप अपडेट कर देते, जैसे पिछला अपडेट आया था उसमें बग्स फिक्स किए गए थे कि मतलब अगर डिलीट मतलब जो फॉरगॉट पासवर्ड होता था उसको आप सेट कर सकते थे, बाकी चीज़ें होती थी उसे आप सेट कर सकते थे, मगर जो कि है इसमें ऐसा कुछ किया नहीं है। इसमें इन्होंने मतलब बग्स फिक्स करने की कोशिश की थी, मगर जो है टेक्निकल इशू के कारण इसमें जो है बग्स आने शुरू हो गए थे। तो इसलिए इन्होंने मतलब पहले इन्होंने ये बीटा टेस्टर को भेजा था जो कि न्यूरोम आने वाली थी, उसके हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट किया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स आ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसका अपडेट सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें भी इन्होंने इसका आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट में भी इन्होंने जो है रेडमी 5A का ऑप्शन हटा दिया है वहाँ से, इसी मतलब इन्होंने हटा दिया गया है। en.mi पे चलते हैं और यहाँ पे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोको F1 है, शाओमी एस, रेडमी S2 है, रेडमी नोट 5 प्रो है, और यहाँ पे रेडमी 5A का कोई ऑप्शन नहीं है। इसी कारण इन्होंने यहाँ से रेडमी 5A का ऑप्शन हटा दिया है। मतलब बग्स इतने ज़्यादा थे कि इन्होंने मतलब डाउन जो जहाँ से आप फास्ट बूट रोम, रिकवरी रोम डाउनलोड करते थे, इन्होंने वो ऑप्शन भी हटा दिया है। मतलब रेडमी 5A को इन्होंने वेबसाइट से हटा दिया है बग्स के कारण। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ये बग्स हैं ये फिक्स करने की कोशिश करेंगे, और इस वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक में आपको एक नया अपडेट देंगे जिसमें आपको बग्स सारे फिक्स किए जाएंगे। तो मतलब आप एक चीज़ में आपको एक जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में अगर आप सही वो करते थे, मोड करते थे और स्प्लिट मोड, तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ये कोई मतलब बग नहीं है, ये इसको ही फिक्स करेंगे एक तरह से। कैलकुलेटर का अपडेट दे रहे थे मगर कैलकुलेटर में एक बग आने के कारण इन्होंने ये अपडेट भी सस्पेंड कर दिया गया है। और जो दूसरा अपडेट था वो था सिक्योरिटी को लेके, सिक्योरिटी में भी इन्होंने बग फिक्स मतलब पाया, तो इन्होंने ये अपडेट भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये मतलब यही देख लो ना, दो तीन अपडेट के कारण, दो तीन बग्स के कारण इन्होंने पूरा अपडेट सस्पेंड कर दिया है। और आपको ये जो नया अपडेट मिलेगा वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीक या इस वीक के एंड में। तो आज की मेरी आज की वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आपको बता दूँ कि रेडमी 5A में जो अपडेट आने वाला था वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। धन्यवाद। और जो नए यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।